गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल। वीडियो की शुरुआत में ही हैप्पी न्यू ईयर। और आज कई दिनों के बाद ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोपी गरेवा, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो यार, सीन कुछ ऐसा है कि पिछले तकरीबन 7-8 दिनों से कोई ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है। एक्चुअली मैंने कैमरा ही नहीं उठाया है, और क्योंकि मैं अपने कुछ काम में बिज़ी था, तो उस चक्कर में मतलब कोई ब्लॉग नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं था। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो इसलिए आज वीडियो की शुरुआत की है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि न्यू ईयर का ब्लॉग ज़रूर बनाना 31st नाइट का। तो उस नाइट का मतलब कुछ क्लिप मेरे पास पड़े हैं जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। न्यू ईयर यहाँ पे सारा कुछ मतलब माहौल सारा कुछ अच्छा रहा, लेकिन जब न्यू ईयर आ गया, ठीक है, जैसे अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर जो है एक बैड न्यूज़ आ गई थी कि जैसे लॉकडाउन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। कह इसलिए सकते हैं क्योंकि जो ओल्ड एज लोग हैं, जैसे बुढ़े हम कह देते हैं ना, तो वो लोगों के ऊपर फिर से यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई है कि वो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं ना। जैसे मॉल वगैरह में यहाँ के पूल वगैरह बंद करवा दिए गए हैं, बच्चे नहीं जा सकते हैं फिर दोबारा से मॉल में। तो मुझे तो लगा था कि न्यू ईयर में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन न्यू ईयर के पहले ही दिन यहाँ पर फिर से अनाउंसमेंट कर दी गई है। और अभी कुछ भी यहाँ पे जैसे बुड्ढे वगैरह लोग मॉल वगैरह में जाने की अनुमति उनको दे दी कि नहीं जा सकते हैं, बच्चे भी नहीं जा सकते हैं, पूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं ना, तो बच्चों के लिए स्पेशली और बूढ़ों के लिए। तो ये सिचुएशन मतलब फिर से ख़राब नज़र आ रही है। हालांकि सारा कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी ये सिचुएशन है। और कल रात मतलब 4 जनवरी को, ठीक है, यहाँ पे ना एक अनाउंसमेंट की गई, मतलब जो ग्रुप बने होते हैं ना, ब्रांगाई के ग्रुप बने होते हैं, तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट की गई कि यहाँ से ना रात को 12 बजे प्लेन गुजरेगा और वो ऊपर से कुछ दवाई छिड़काएगा कुछ कोविड या किसी बीमारी के लिए। तो वो तुम लोग अपने अपने, अगर किसी ने कपड़े वगैरह सूखने डाले हैं तो वो भी निकाल लेना, अपने अंदर रख लेना, और खिड़की दरवाजे अच्छे से लॉक करके तुम लोग सो जाना, ठीक है। तो 12 बजे अभी पता नहीं, कल रात की बात है, गुजरा होगा कुछ मतलब दवाई छिड़काई गई है या क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन पोस्ट डाली गई थी तो लोगों ने सारे अपने कपड़े वपड़े उतार लिए थे, जैसे किसी ने सूखने डाले हुए होते हैं ना धोने के बाद या कुछ ऐसा। तो वो कल की न्यूज़ थी कि दवाई वगैरह छिड़काई जाएगी, तो वो हो सकता है कि छिड़का दी गई हो, क्योंकि रात के 12 बजे क्या पता चलता है ना, तो अपने को नहीं पता, लेकिन ये कल की न्यूज़ थी। चिकन को देख लो, ये क्या कर रहे हैं। हाँ, यस, ना चक 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 उतर ले, चल आजू आजू। तो चलो यार, अभी के लिए ना मैं आप लोगों को जो थोड़ा बहुत शूट मेरा किया हुआ है 31st का, मतलब अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि टाइम नहीं था, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पे मुझे मौका मिला वहाँ वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मतलब मैंने शूट किया है, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारी 31st कैसी रही थी। और जाइए देखिए, तो आज है 31st, मतलब इस साल का आखिरी दिन, और मैं अचानक से मुझे मतलब यहाँ पे मॉल में आना पड़ गया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ तुम लोगों को। दिखाना तो मैं तुम लोगों को ऊपर जाके सारा चाहता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है, कहीं और भी जाना है इसके बाद, लेकिन माहौल अच्छा है। तो यार बहुत ज्यादा शोर है, और आज मुझे मतलब ब्लॉग बनाना था, माफी चाहता हूँ कि ब्लॉग आज नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि अभी भी मैं अपने स्टोर पे हूँ और आज काम बहुत था। मतलब आपको पता है कि न्यू ईयर के टाइम में काफी लोग पिज्जा वगैरह खरीदते हैं, तो उस चक्कर में पूरा दिन टाइम नहीं मिला, जो टाइम थोड़ा बहुत मिला उसमें भी कुछ काम थे घर के, या कुछ सामान किसी से पकड़ के लेके आने वाला था, कई चीज़ें थी मतलब, लेकिन ब्लॉग नहीं आज मैं कंटिन्यू कर पाया। अभी के लिए लोग बहुत शोर मचा रहे हैं क्योंकि टाइम 10 बजने वाले हैं और 12 बजे यहाँ पे फुल क्राउड फुल शोर हो जाएगा। तो अभी भी मैं स्टॉल पे ही हूँ, ये अपना स्टॉल है,
तो अभी भी मैं यहीं पे हूँ। कैथरीन घर में गई है क्योंकि हमारे पिज्जा खत्म हो गए थे, तो बोलती है कि मैं 8-10 पीस और बना के ले आती हूँ, शायद निकल जाएंगे, अभी देख लेते हैं ना। तो अभी के लिए वो घर गई है, फिर लेके आएगी। भी बोलती है कि तुम यहीं पे रहोगे ना, क्योंकि अगर बंद कर दिया तो फिर लोगों को लगेगा शायद बंद करके चले गए हैं। तो ये है सिचुएशन अभी की, और अगर मैं ब्लॉग 12 बजे कंटिन्यू कर पाया तो आपको दिखाऊंगा नाइट व्यू, क्या शोर वगैरह मचाते हैं या क्या हालात है ना, अगर मैं कर पाया मुझे नहीं पता। तो वेकन की माँ ने इसके कपड़े तो चेंज कर दिए और ये सो रही है, और 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। और ब्लॉग का तो मैं भूल ही गया था, ब्लॉग बनाना है, मुझे याद आया कि यार थोड़ा सा ब्लॉग बना लेता हूँ, तो आप लोग भी देख पाओगे। ये रही ईसाई, ईसाई हाय। हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, यू से हैप्पी न्यू ईयर। आ वेरी गुड। और ये रहा हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ये रही कैथरीन, कैथरीन हाय, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो यार यहाँ पे शोर बहुत है, मैं थोड़ा सा बाहर लेके जा रहा हूँ अभी आप लोगों को, क्योंकि चारों तरफ म्यूजिक चल रहा है, चारों तरफ। हैप्पी न्यू ईयर पप्पी। एकन उठ गई है, अभी काउंटिंग का टाइम आ गया है, 2 मिनट बाकी हैं। अच्छा, तो अभी काउंटिंग में 1 मिनट बाकी है, तब तक हमारा फूड देख लो जो बनाया है, चिकन, फ्रूट सैलेड, इसका नाम भूल गया मैं क्या है, मच्छी, और ये 13 तरह के फ्रूट रखे जाते हैं, कहते हैं कि पूरा साल अच्छा रहता है मतलब, तो ये जुगाड़ है सारा देख लो। इसका नाम यार मैं भूल गया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टेस्टी चीज़ ये है, इसमें मैंगो डाले हैं, बिस्किट डाले हैं और दूध डाला है। कटे अनु बंगाला ने तो है ग्रीन हार्म, कुछ ऐसा नाम है इसका, बहुत टेस्टी है यार ये चीज़। तो ये कैथरीन की बहन है, ये उसका हस्बैंड है, आपको पता ही होगा अगर लगातार वीडियो देख रहे हो तो। बाकी एकन जो है ना सो रही थी, इसकी माँ जबरदस्ती उठाया है, बोलती है कि अच्छा नहीं है, मतलब जागना चाहिए इस टाइम में, यहाँ मतलब हर देश का अपना अपना एक सिस्टम होता है ना, तो ये लोग इस तरह से सोचते हैं कि जागना है, मोटरसाइकिल की रेसें देनी है रात को, तो ये सारा कुछ दिखाऊंगा बाहर निकल के। Thank you.
ये गिफ्ट पैक करिए क्योंकि यहाँ पे ना पार्टी है अभी 12 बजे के बाद, मतलब अभी, तो वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं जैसे, तो इसने क्या किया है ये पैक कर रही है, मतलब देने के लिए वो क्या ऐसे बोलते हैं बॉडी लोशन है ये, तो ये सारा कुछ चल रहा है अभी के लिए। तो बाकी माहौल तो मैंने आप लोगों को दिखाया है, लेकिन अपना कैमरा इतना प्रोफेशनल नहीं है कि बहुत अच्छे से शूट हो पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब माहौल ऐसा होता है कि अभी तो शराब वराब वगैरह खाना पीना सारा कुछ रोड के ऊपर चल रहा है, दिखाया भी है मैंने आप लोगों को, है ना, और मोटरसाइकिल की रेसें देना जोर जोर से, और मतलब अच्छा मानते हैं इस चीज़ को कि अच्छा रहता है मतलब आपका वो मोटरसाइकिल, इसीलिए वो रेसें दे रहे हैं इतना। और खाना पीना तो अभी चलेगा, हम भी वो 12 बजे का वेट कर रहे थे, मुझे भी नहीं खाना मिला अभी तक, तो अभी खाना वाना खाएंगे। तो ये रहा मतलब अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन, कुछ इस तरह से अच्छा रहता है मतलब। और इंडिया में ऐसा नहीं होता जो सिस्टम यहाँ पे है ना, अपने थोड़ा सा साइलेंट सा होता है, इतना जोर शोर से नहीं होता जितना यहाँ पे होता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड रहते हैं लोग न्यू ईयर के लिए। तो ये था मतलब ये सारा कुछ, और बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मुझे जो था बस यही कुछ था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय।